हरे कृष्णा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम डिस्कशन करेंगे कि जीवन में जब कठिनाई कोई विपदा आपदा आए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो कैसे अपने आप को शांत बना दें। ये बात स्पेशली इस करंट टाइम्स के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है और हालांकि डेथ रेट घट रहा है, लेकिन जिस स्पीड से कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है वो बढ़ती जा रही है स्पीड। कल मैं चेक कर रहा था, पूरे वर्ल्ड में करीब 2.25 लाख लोग संक्रमित हो गए और यूएस, ब्राज़ील, इंडिया ये बेसिकली लीड कर रहे हैं आज के डेट में। लोगों के जवान बच्चे मरते जा रहे हैं। दो देशों की आपसी लड़ाई के अंदर इतने लोग नहीं मरे जितने लोग इस कोरोना महामारी के चलते मर गए। तो फिर लोकुस्ट अटैक आ गए कि टिड्डा दल आ गया, वो अफ्रीका चला वहाँ से और कहाँ से पूरा पाकिस्तान घूमता हुआ, वहाँ पे फसलों को तबाह करता हुआ, राजस्थान पंजाब के रास्ते इंडिया में घुस गया और पूरे इंडिया में फैला हुआ, कई झुंड बन चुके हैं उसके। एक और नई बीमारी चाइना के अंदर फैल रही है, स्वाइन फ्लू है एक, उसका बड़ा ही पेंडेमिक टाइप का, तो उसको कंटेन करने में लगे हैं। बॉर्डर पे टसल चल रही है, इंडो चाइना बॉर्डर पे भी चल रही है, इधर इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी टसल चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट दे रहे हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज एक दूसरे के साथ में, किसी ना किसी कंट्री के साथ में साइड ले रहे हैं। तो कुल मिला के बड़ी भयानक स्थिति है। एक स्टॉक मार्केट की तेज़ी को छोड़ के बाकी सब जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। कई लोगों से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि बाज़ार में काम ही नहीं है बिल्कुल, जहाँ पे काम है वहाँ लेबर नहीं है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे, लोग भूखे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग। एक ड्यूटी से मैं बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि उनके पहचान में ही करीब 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया अलग अलग रीजन से। मेन तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही होती है बेसिकली। तो कैसे इन चीज़ों से हम इनको फेस करें, अपने आप को बचाएं, तो उसका एक उदाहरण हम लेके आते हैं जो कि भागवतम के पहले स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय से हमें मिलता है। कुछ पोर्शन भागवतम के 8वें अध्याय का आखिरी पोर्शन और 9वें अध्याय का पहले स्कंद के शुरू का पोर्शन, उसको कंबाइन करें तो ये बात निकल के आती है कि जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर के लिए, हस्तिनापुर से रवाना हो रहे थे द्वारका के लिए, तो सबको पैसिफाई कर दिया, उत्तरा की जान बचा दी, सबको सांत्वना दे दी, बात ख़त्म हो गई। जाने लगे तो युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर, वो रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं बहुत। भगवान कृष्ण ने बहुत कोशिश की समझाने की, नहीं समझा पाए व्यास देव। उन्होंने और बड़े साधु महात्मा वहाँ पर थे, सब ने कोशिश की, युधिष्ठिर महाराज समझे नहीं। इनफैक्ट वहाँ पर लिखा है कि कृष्ण कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, कि वो भगवान कृष्ण ने समझा पाए जो कि अद्भुत कर्म वाले हैं, उरु कर्म है, जो बड़े से बड़ा काम यूं निकाल देते हैं, वो भगवान कृष्ण भी समझा नहीं पाए। युधिष्ठिर महाराज को ये दुख था, 64 करोड़ लोग मारे गए 18 दिन के अंदर, लाखों लोग गायब हो गए, स्त्रियां स्वामी रहित हो गईं, कोलैटरल डैमेज में लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिपाही मारे जाते हैं,
कई अबोध लोग भी मारे गए उसके अंदर, तो महाराज युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे थे। तो एक प्रश्न तो ये खड़ा हुआ कि आखिर चलो व्यास देव जी नहीं समझा पाए, चलो एक बार समझ लेते हैं बात को, भगवान कृष्ण नहीं समझा नहीं पाए, ये कैसे हो गया? तो हमारे आचार्य वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि शिला प्रपात एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये भगवान की योजना है, भगवान ने ही युधिष्ठिर महाराज को विचलित कर दिया था कि वो विचलित हो जाएं, जैसे अर्जुन को विचलित कर दिया भगवत गीता प्रकट हो गई, ऐसे ही महाराज युधिष्ठिर को विचलित कर दिया। और वो विचलित करने के पीछे उनके दो कार्य थे। पहला कार्य ये था कि भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के यश को और अधिक बढ़ाना चाह रहे थे, पहले ही बहुत यशस्वी हैं भीष्म पितामह, और अधिक बढ़ाना चाह रहे थे। और दूसरी बात है कि उनके अनन्य भक्त हैं भीष्म पितामह, जब वो शरीर छोड़ रहे हैं तो भगवान कृष्ण वहाँ पर उपस्थित रहना चाहते थे, उनको अपने अपना दर्शन देख के उनको कृतार्थ करना चाहते थे। दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण ने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी। युधिष्ठिर महाराज को समझाया भगवान कृष्ण ने कि देखो धर्म युद्ध है, धर्म के लिए युद्ध था, हो गया, बात खत्म हो गई। कहा नहीं 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 युधिष्ठिर महाराज ने बोला नहीं, मैं तो मानता नहीं धर्म युद्ध है, सारा जो पूरा ये प्रपंच रचा गया, मुझे सिंहासन पर, मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं सिंहासन पर जाकर बैठ जाऊं, इस कारण से इतने लोग मारे गए। और फिर इस पाप को ख़त्म कैसे किया गया, इस पाप को हमने ख़त्म किया गया, ख़त्म करने की कोशिश की अश्वमेध यज्ञ करके। तो ये अश्वमेध यज्ञ करके पाप से मुक्त होने का तरीका उसी प्रकार है जैसे गंदे पानी को मिट्टी से साफ करना, जैसे मदिरा से दूषित हुए बर्तन को मदिरा से ही साफ करना, कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ करके वहाँ पे घोड़ों की बलि दे दी और मार दिए हमने घोड़े, पहले ही इतने लोग मर गए थे, तो उससे मेरा अपराध कैसे, मेरा ये पाप कैसे खत्म होगा, मुझे रात को नींद नहीं आ रही, समझ नहीं हो रहा क्या हो रहा। तब भगवान कृष्ण ने बोला चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं। तो सारे जितने भी कौरव कुरु वंश है जीवित जो था सब मिलकर, और भगवान कृष्ण और साधु महात्मा जितने भी हैं, पर्वत मुनि, नारद मुनि, नारद और पर्वत मुनि तो बेसिकली इकट्ठे ही रहते हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं बेसिकली। तो सुखदेव गोस्वामी, व्यासादेव इत्यादि अनेक ऋषि जो हैं वो सब मिलकर वहाँ पे गए जहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। और जैसे ही सब पहुँचे तो भीष्म पितामह ने दो कार्य किए, कितना महत्वपूर्ण बात है, एक एक रोम उनका बांधो बाणों से छिदा हुआ है भीष्म पितामह का, फिर भी पूरे कंट्रोल के अंदर हैं, शिष्टाचार क्या बोलता है पूरा शिष्टाचार का पालन करेंगे। तो उन्होंने दो काम किए, पूरी जितने लोग वहाँ गए थे दो ग्रुप बन गए वहाँ पे, एक ग्रुप है भगवान कृष्ण और एक है बाकी सब। तो भीष्म पितामह ने बाकी सबका स्वागत किया लेकिन भगवान कृष्ण की उन्होंने पूजा की, जैसी भी परिस्थिति में थे भगवान कृष्ण की उन्होंने आराधना की। और भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक भी हैं। और भीष्म पितामह ने उस समय बोला युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को, कि तुम लोगों ने इतनी मुसीबतें सही हैं कि अगर मतलब जी नहीं सकते थे तुम, जीवित रहना मुश्किल था, सिर्फ तीन चीज़ों ने तुम्हें बचाया। वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? ब्राह्मणों ने, धर्म ने, और अच्युत भगवान कृष्ण, विप्र धर्म अच्युत आश्रय, तीन चीज़ों ने तुम्हें बचा लिया। आप देखो जब महाराज युधिष्ठिर को जब वनवास के लिए बोल दिया था, साधु महात्मा साथ गए उनके, आप साथ क्यों जाते हैं? अरे भाई धर्म तुम्हारे साथ है,
यहाँ पे रह के क्या करेंगे हम, दुर्योधन के यहाँ पे तुम्हारे साथ जाएंगे, जैसा मेरे पास कोई साधन नहीं आ रहे, हम भूखे रह लेंगे, ऐसे बोल रहे थे साधु महात्मा। जैसी आपकी इच्छा, चलो हमेशा ब्राह्मणों के संरक्षण में रहे युधिष्ठिर महाराज पांडव, धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर लिया। द्रौपदी ने एक बार बोला, सारे कपड़े गंदे हो रहे थे उनके, युधिष्ठिर महाराज को बोला आप रेशम के कपड़े पहना करते थे, ये क्या हालत हो गई आपकी, आप धर्म की रक्षा करने, धर्म 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 लगा रखी है, धर्म ने क्या किया आपके लिए? तो महाराज युधिष्ठिर ने बोला कि मैं धर्म का पालन किसी लालच में नहीं करता, मैं धर्म का पालन धर्म को संतुष्ट करने के लिए करता हूँ, धर्म का पालन करना ही चाहिए, मैं उसमें से कुछ मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी मेरी इच्छा नहीं रहती। द्रौपदी शांत हो गई एकदम। तो महाराज युधिष्ठिर पांडव धर्म की रक्षा कर रहे थे, धर्म ने उनकी रक्षा की। आप धर्म की रक्षा करोगे धर्म आपकी रक्षा करेगा, आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। और अच्युत भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने कदम कदम पे उनकी रक्षा की, एक एक कदम पर भगवान कृष्ण की बेसिकली रक्षा कर रहे थे। तो कैसे उन विपत्तियों में सांत्वना रखें, कैसे मन को समझाएं, तो एक लाइन में आंसर दे दिया भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह ने बोला देखो ये जो सारी चीज़ें, ये काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से ये सारी चीज़ें हुई हैं, और ये इतना वंडरफुल है काल, इतना वंडरफुल है काल, अद्भुत है कि धर्मराज की उपस्थिति में, भीम की उपस्थिति में, गदाधारी भीम की उपस्थिति में, धर्मराज युधिष्ठिर की उपस्थिति में, गांडीवधारी अर्जुन की उपस्थिति में, और स्वयं भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भी उसने अपना कार्य किया। तो यहाँ पे एक बात हमारे लिए समझनी बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो काल है ये कुछ अलग से कोई इसका व्यक्तित्व नहीं है, ये काल कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण ही है। और भगवान कृष्ण भगवद्गीता में दो जगह इसकी पुष्टि कर रहे हैं, भगवान कृष्ण भगवद्गीता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में बोल रहे हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रबद्धो, मैं ही काल हूँ और लोगों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, यहाँ पर मेरा प्लान है ये। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला निमित्त मात्र भव सभी साचिन, अर्जुन तुम निमित्त बन जाओ भाई, सारा काम मैं कर चुका हूँ। दूसरी बार उन्होंने भगवान कृष्ण ने भगवद्गीता 10:33 में भी इस बात को बोला, अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहम् एवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुखः, कि सभी अक्षरों में मैं ओंकार हूँ और सभी समासों के अंदर मैं द्वंद्व समास हूँ, और अहम् एव अक्षय कालो, और मैं इटर्नल अव्यय काल मैं ही हूँ, और प्रजापतियों में मैं ही ब्रह्मा हूँ, विश्वतोमुख मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण ये कन्फर्म कर रहे हैं कि ये जो अक्षय इटर्नल अव्यय काल है ये मैं ही हूँ। तो भगवान की योजना थी, भगवान का प्लान था, वो प्लान भगवान ने कार्यान्वित किया। तो फिर अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? तो हमारा कर्तव्य है इसको, ये जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है, चाहे सुख है चाहे दुख है, उसको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, संतोष पूर्वक उसको ग्रहण कर लेना, भगवान की योजना समझ के। स्पेशली भक्तों को अगर भक्त इस बात को नहीं समझ रहे, अगर भक्त व्यथित हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनके निष्ठा में कहीं कमी है भगवान के प्रति, तभी वो दुख तकलीफ़ों को झेल नहीं पा रहे, उसको सहन नहीं कर पा रहे। कुंती महारानी तो यही कह रही हैं कि विपदा संतु वा शश्वत, होने दो विपदाओं को, बार बार आने दो, आपका दर्शन होता रहेगा, और अगर आपका दर्शन हो गया अपुनर्भव दर्शनम, तो दोबारा हमें भव का दर्शन, हमें दोबारा जन्म मृत्यु का दर्शन हमें नहीं करना पड़ेगा। तो एक भक्त का स्पेशली
सभी का ये कर्तव्य है, लेकिन स्पेशली विशेष रूप से एक भक्त का कर्तव्य है कि कोई भी अच्छा बुरा समय है उसको भगवान की योजना, भगवान का प्रसाद समझकर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत गीता में शुरू शुरू में कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पायनो नित्य स्थान तितिक्षस्व भारता, तितिक्षस्व भारता, उसको सहन करो, स्वीकार कर लो, जैसे सर्दी गर्मी को झेल रहे हो ऐसे सुख दुख को झेल लो। ये अगर हमारे दिमाग में अगर ये बात फिट हो गई, अगर ये बात हमारे दिमाग में आ गई, तो कभी भी हम किसी भी परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होंगे हम, और हमारा जीवन संतोषपूर्वक निर्विघ्न चलता रहेगा, भगवान के चरणों से हमारा ध्यान कभी नहीं हटेगा। ये ट्रिक है दुखों से बचने की। यहीं पे विराम देते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।